हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है आदि पुरुष तो आदिपुरुष फिल्म का जो हिंदी वर्जन है साथ ही में तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम वर्जन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में इस फिल्म की जो कहानी है जो फिल्म रामायण के ऊपर बेस्ड है तो उसके ऊपर बातचीत की जाएगी फिल्म का बजट काफ़ी हैवी है तो म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट किस तरह के आपको काम देखने को मिलेंगे वे फेक्ट के ऊपर भी बातचीत की जाएगी स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में भी डीप में चर्चा होने वाली है इन सभी चीज़ों के साथ फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक बने रहेगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहां इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म ही थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है थी बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से बाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी है, फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेस्टली इसके अलावा तमिल तेलुगु सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू वी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज़ आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की ज़रूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान

और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग किए हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स हैं वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहां पे एक प्रोमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास प्रभाष लोड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते थे वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ है सेप्टेम्बर दो में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवानी कीर्ति सीरेष से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो तो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी 2021 में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे एफ के ऊपर सी जी आई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को तब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफी ज्यादा ट्रेटिजन काफ़ी ज्यादा व्यूज हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी थे वे थे उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स जी लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके और काफी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फिल्म भी साहो या राजेश्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओटीटी को काफी थिएटर के बाद ओटीटी सैटेलाइट में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायणा में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ रहते बहुत ज्यादा बजट है जिस तरह से बाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार 430 करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी फिल्म का स्केल और डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है साम इसके अलावा तमिल तेलुगु सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलुगु लैंग्वेज के लिए यू क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीद दे हुए तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की ज़रूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस, जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयाँ करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभाष जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पर वत्सल सेठ सोनल चौहान और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग किए हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभाष सलोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो 1992 में एक जापानी सिनीमी सीरीज़ आई थी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेसन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगू दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तानहाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी की थी सीरेस अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी 2021 में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेप अप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पर और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वेफ एक्स के उसके लिए फ़िल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते हैं उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्प्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज में पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभाष की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुए जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके श्याम और साहो काफ़ी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म भी साहो या राजेश्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सेटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मैक्स पर रिलीज़ हो गई थिएटर ओ टी टी को काफ़ी थिएटर के बाद ओ टी टी सेटेलाइट में काफ़ी टाइम बीच में काफ़ी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सेटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छः महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेज़ में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेज की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम रावत ने की हुई है ओम रावत जी इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पर वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच सौ करोड़ है ये बहुत ज्यादा बजट है जिस तरह से पाहुबली वन टू आई थी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी पाँच सौ करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक सौ अस्सी करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई सौ करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वेफेक्स है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी है फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुल पुलअप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो उस कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर्स से जिन्होंने इस फिल्म में प, अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहां पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामेंटेसली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नाडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलुगु लैंग्वेज के लिए यू क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स दे हुए तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्त नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्त नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान and और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास प्रभाष राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले ताना जी 2020 में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज़ आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेसन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सेप्टेम्बर दो में मेकस ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हा जी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस्ट का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवानी कीर्ति सीरेष से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कंफर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेस्यू एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वेफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते हैं उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगू मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज में पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ का, का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभाष की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफ़ी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राधेश्याम और साहो काफ़ी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राधेश्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म बिस्साह या राजेश्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि ये फिल्म आईमेक्स पर रिलीज़ होगी थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ सैटेलाइट में काफ़ी टाइम बीच में काफ़ी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रप्शन थिएटिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम रावत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो हजार बीस में जो एक बड़ी हिट फिल्म ही थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पाँच सौ करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन 500 करोड़ है थे ये बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाऊबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार सा करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुल ऑफ करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेसली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को हनु, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की ज़रूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान and और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहां पर फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास प्रभाष लोट राम का रोल प्ले करने वाले जहां इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहां पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेसन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तानहाजी जी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी कीर्ति सीरेस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया जहां जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया 2 अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी 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 जी आई थे वे एफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते हैं उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नाडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलगू मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कनाडा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ एक्स सी का, का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफ़ी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राजेश्याम और साहो काफ़ी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राजेश्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगू और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फ़िल्म बिस्सा या राजे श्याम की तरफ़ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को यह फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज़ हो गई थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ टी में काफ़ी टाइम बीच में काफ़ी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज़ एक डेढ़ महीने में ये फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको पे सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सेटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेज की वहां पर इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम रावत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम रावत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है तो बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाऊबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ 250 करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार सा चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए हैं और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी

से शूट किया हुआ है सामिंटे इसके अलावा तमिल तेलुगु सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नाडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यूवी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की ज़रूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान and और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स हैं वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास प्रभाष लोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट के थे वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगू दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तानहाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी कीर्ति सीरेस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया जहां जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस की हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीजर को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर दो को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पर और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वे एफ एक्स थे उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फ़िल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदिपुरुष को फ़िलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगू मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नाडा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले फिल्म 11 अगस्त 2022 को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्म ऐसी खराब तरीके से फ्लॉप रही है श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल किस किसान बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगू और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फ़िल्म बिस्सा हो या राजे श्याम की तरफ़ पीट सकती है अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को यह फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ टी में काफ़ी टाइम बीच में काफ़ी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज़ एक डेढ़ महीने में ये फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियम करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको पे इंग्लिश सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सेटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेज की वहां पर इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम रावत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम रावत ने की हुई है ओम रावत जीने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तानहा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म ही थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच सौ करोड़ थी बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाऊबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फ़िल्म की कहानी है, फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल 5 प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगू दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेस्टली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नड़ा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू वी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमेज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को हनु, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्तन आगे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए way. अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास से राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो 1992 में एक जापानीज एनिमी सीरीज़ आई थी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेसन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते थे वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगू दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री डी कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव हो होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हा जी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी कीर्ति सीरीस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीजर ने काफी ज्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी थे वे थे उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वे एफ एक्स लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नाडा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज में पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ एक्स का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभाष की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफ़ी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राधे श्याम और साहो काफी खराब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राधे श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि यह फिल्म जब रिलीज हो होगी लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म भी साहो या श्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओटीटी को काफी थिएटर के बाद ओटीटी सैटेलाइट में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथिंग सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जि जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है थी बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से बाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुल ऑफ करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेस्ली इसके अलावा तमिल तेलुगु सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है, है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान Vielen <laughs> और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स हैं वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहां पे एक प्रोमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास से लोड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट थे वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगू दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री डी कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हा जी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवानी कीर्ति सीरेस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने, ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी थे वे थे उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहां पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नड़ा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पांच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ का, का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभाष की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके श्याम और साहो काफी खराब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फिल्म भी साहो या राजेश्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओटीटी को काफी थिएटर के बाद ओटीटी सैटेलाइट में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ महीने में ये फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टे विथिंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन थिएटरिकल रिलीज के दो तीन के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तानहा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जि जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच सौ करोड़ थी बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से बाहुबली वन टू आई थी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी है, फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है साम इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू वी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमेज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह बचा से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान

और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग किए हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास लोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए लिहा कर दिया और टी सीरीज ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ है सेप्टेम्बर दो में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवानी कीर्ति सीरीस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो तो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी 2021 में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पर और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वेफ एक्स उसके लिए फ़िल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिजम सहना पड़ा था अब देखने वाली बात ये कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज़ जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फ़िलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नाडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कनाडा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले फिल्म 11 अगस्त 2022 को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह थिएटर में रिलीज होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज़्यादा फिल्म के का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राधे श्याम और साहो काफ़ी खराब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राधे श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म भी साहो या श्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज़ होगी थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ टी में काफ़ी टाइम बीच में काफ़ी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तानहा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पर वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जित जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है थे बहुत ज्यादा बजट है जिस तरह से पाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार सात चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी है, फिल्म का स्केल और डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेसली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलुगु लैंग्वेज के लिए यू वी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान and और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग किए हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभात से राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तानहाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस्ट का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवानी कीर्ति सीरेस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी 2021 में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया जहां पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने, ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे एफ के ऊपर सी जी आई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेटिजर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वे एफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते हैं उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीजों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीजें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीजें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफी ज्यादा नाराज है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पांच लैंग्वेज में पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज होने वाली थी जिसको वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुए जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राधे और साहो काफी खराब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राधे हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदिपुरुष में अपना कमबैक कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीजों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म भी साहो या राजेश्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सेटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओ को काफी थिएटर के बाद ओ टी में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टे विथिंग्लेश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन के बाद बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ा ही होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जी ने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तानहा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म ही थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पर वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है थे एक बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार 430 करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी फिल्म का स्केल और डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 500 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेसली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलुगु लैंग्वेज के लिए यू वी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को हनु, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्त नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्त नागे प्ले करेंगे वहीं पे वत्सल सेठ सोनल चौहान and और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग किए हुए अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पर फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास लोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले ताना जी 2020 में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमीडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया जिन्होंने तानहाजी जी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस्ट का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी की तीसरी से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कंफर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेस्यू एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेटिजन काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वे एफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते हैं उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीजें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीजें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगू मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ का, का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राजेश्याम और साहू काफ़ी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राजेश्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ हो होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फिल्म बिस्ाह या राजेश्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सेटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई पे रिलीज होगी थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ सेटेलाइट में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म ओटी टी पे, तो पे थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छह महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहाँ पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डिरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जी उन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तानहा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पर वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पर फिल्म का बजट करीबन पाँच करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जि जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन 500 करोड़ है थी एक बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन 180 करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार सात चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी फिल्म का स्केल और डायरेक्टर किस तरह से पुल अप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर से जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेसली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज़ आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस, जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पर वत्सल सेठ सोनल चौहान और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक लानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई अपूर्वा मोतीवाला साहि ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रोमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभात सलोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो 1992 में एक जापानी एनिमी सीरीज़ आई थी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज़ से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेसन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पे फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हा जी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस्ट का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी कीर्ति सीरेस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लोड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस की हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर 2021 को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर 2021 तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेप अप कर लिया था 10 नवंबर 2021 तक, तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पर इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर दो को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वेफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदिपुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नड़ा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगू मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी जिस वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ एक्ससी जी का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफ़ी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राधे श्याम और साहो काफ़ी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राधे श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फ़िल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ हो होगी लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगू और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फिल्म भी साहो या श्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात ये है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सेटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई पे रिलीज़ हो गई थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ सैटेलाइट में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमेर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विश्व सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छ महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेस में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहाँ पे इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायणा के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीजें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जिस जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है थी। बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाऊबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ 250 करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार सात चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए हैं और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी फिल्म का स्केल व डायरेक्टर किस तरह से पुलअप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेस्ली इसके अलावा तमिल तेलुगू सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलगू लैंग्वेज के लिए यू वी क्रिएसन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज़ करवा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज़ मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को हनु, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस, जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सेफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पर वत्सल सेठ सोनल चौहान और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक ानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई अपूर्वा मोतीवाला साहि ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी अट्ठारह अगस्त दो को जहाँ पर एक प्रोमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभात से राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डिरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो हिंदू एपिक पिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो 1992 में एक जापानी एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज़ से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज़ ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को और लंकेश का रोल दिया गया है जिन्होंने तान्हाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक एंटागोनिस्ट का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी कीर्ति सीरीस ऐसे अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कन्फर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी 2021 में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशली अनाउंस की हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर 2021 को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर 2021 तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था 10 नवंबर 2021 तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वे एफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सी जी आई लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज़ जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीज़ें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीजर देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलगू लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कनाडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगू मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कनाडा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज इसमें पे इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ एक्स का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभाष की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफ़ी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राजेश्याम और साहो काफ़ी ख़राब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राजेश्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगू और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म साहो या श्याम की तरफ पीट सकती है है अब देखने वाली बात ये कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आईमेक्स पर रिलीज होगी थिएटर ओ को काफी थिएटर के बाद ओटी टी में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सेटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छः महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेजेज़ में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेज की वहाँ पर इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायण के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायण में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की, की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम रावत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम रावत ने की हुई है ओम रावत जी ने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्म उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है ये बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से पाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी है, फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पोलोप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामिंटेसली इसके अलावा तमिल तेलुगु सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है

जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को आर्म, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्तन आगे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्त नागे प्ले करेंगे वहीं पर वत्सल सेठ सोनल चौहान और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई अपूर्वा मोतीवाला ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए है अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभास लोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो नाइनटीन में एक जापानीज एनिमी सीरीज आई थी रामायण द लीजेंट ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट के थे वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी की शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री डी कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है सितंबर 2020 में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहां पे उनके किरदार का नाम राव होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया जिन्होंने तानहाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का सेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर की कीर्ति से से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कंफर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर दो को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर दो तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेप अप कर लिया था दस नवंबर दो तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ट्रे टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पे और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वेफ एक्स से उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स सीजन ये लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुंचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीजों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीजें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीजें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नाडा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज में पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ एक्ससी जी का भी काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभाष की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफ़ी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके श्याम और साहो काफी खराब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें श्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगू और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज ये फिल्म साहो या श्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई मेक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओटीटी को काफी थिएटर के बाद ओटीटी सैटेलाइट में काफी टाइम बीच में काफी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में यह फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सेटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छः महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेज की वहां पर इस फिल्म को आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुष फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे आदि पुरुष जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है द फर्स्ट मैन ये एक 2023 की इंडियन हिंदू हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एपिक रामायण के ऊपर बेस्ड है राम भगवान श्री राम भगवान की जो कहानी है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म की कहानी सेट की गई जहाँ पे आपने आपको पता ही होगा कि रामायणा में आपने सभी पढ़ाई होगा सुना होगा कि क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी तो उन सभी चीज़ों को थोड़े अलग एंगल के साथ डायरेक्टर इस फिल्म में दिखाने वाले जहाँ पे इस फिल्म की कहानी का आइडिया है वो वाल्मीकि की जो रामायण बुक है उससे लिया गया है जहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले ओम राउत ने लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डायलॉग है डायरेक्शन है वो सभी चीज़ें ओम राउत ने की हुई है ओम रावत जी उन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ एक बड़ी फिल्म हिंदी वर्जन में दी हुई थी तान्हा जी दो में जो एक बड़ी हिट फिल्म थी तो उस फिल्म के बाद वो दूसरी बार कुछ ऐसी बड़ी फिल्म लेके आए हुए हैं जहाँ पे वो प्रभास को लेकर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन 500 करोड़ के आसपास है फिलहाल में इंडिया की जो फिल्में आई हुई है जिस जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी हुई एक्सपेंसिव फिल्में उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म है क्योंकि बजट ही फिल्म का करीबन पाँच करोड़ है तो बहुत ज़्यादा बजट है जिस तरह से बाहुबली वन टू आई जी दोनों का बजट भी मिला ले तो भी 500 करोड़ नहीं होता है पहले पार्ट का करीबन एक करोड़ था और दूसरे पार्ट का कुछ ढाई करोड़ था तो अब देख लो आप साढ़े चार चार सौ तीस करोड़ के आसपास में दोनों पार्ट निपटे हुए और उसके बावजूद वो फिल्म ने कितना धमाका मचाया हुआ था फिल्म के विजुअल्स किस स्केल के साथ फिल्म को बनाया हुआ था अब इस फिल्म को करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया जा रहा है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के जो वे है ग्राफिक्स है फिल्म की कहानी है, फिल्म का स्केल वो डायरेक्टर किस तरह से पुलअप करके हमारे सामने दिखाते हैं किस तरह से ग्रैंड विजुअल्स को हमारे सामने थिएटर में वो पेश कर पाएंगे अब हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार ओम रावत प्रसाद सुतार राजेश नेहर ये टोटल पांच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया हुआ है और इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पाँच करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से शूट किया हुआ है सामी इसके अलावा तमिल तेलुगु सॉरी इसके अलावा तमिल मलयालम कन्नडा वर्जन में इस फिल्म को डब किया हुआ है इस फिल्म को नॉर्थ साइड है नॉर्थ इंडिया साइड ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तेलुगु लैंग्वेज के लिए यूवी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फिल्म को और जी स्टूडियो ने इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो काफी बड़े-बड़े भारी-भारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को रिलीज करवा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज मिलने वाली है फिल्म की कहानी का प्रीमाइज आपको पता ही है कि 9000 साल पहले अयोध्या के किंग यानी कि राघव जो लंका जाके हनुमान के आर्मी को हनु, हनु, हनुमान की जो आर्मी है हनुमान की सेना है उनकी मदद लेते हुए जानकी यानी कि सीता को अपनी वाइफ को किस तरह बचा से बचाते और लंकेश यानी कि जो लंका का किंग है रावण उसके सामने किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े रहते और वहाँ पे किस तरह से वो युद्ध को जीतते वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की है यही जो ओरिजिनल कहानी स्टोरी है श्री राम जी की वहाँ से इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितने बड़े लेवल में लेवल के साथ बनाने की जरूरत थी और किस लेवल पे इस फिल्म के बजट के जस, जस्टिफाई कर सकता है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी आसानी से बयां करती है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभास जो राघव के रोल में दिखाई देंगे यानी कि श्री राम का किरदार प्ले कर रहे वहीं पे कृति सेनन को सीता जी का रोल दिया गया है यानी कि जानकी का सैफ अली खान ने लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने लक्ष्मणा का यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है देवदत्ता नागे को हनुमान का रोल दिया गया है तो हनुमान जी का रोल देवदत्ता नागे प्ले करेंगे वहीं पर वत्सल सेठ सोनल चौहान और तृप्ति तोरडमल जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी कार्तिक ानी की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई अपूर्वा मोतीवाला साही ने और आशीष महात्रे ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अजय अतुल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूज़िक रैड्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए हैं अब हम बातचीत करें इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की तो सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट से स्टार्ट करें तो 2020 में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 18 अगस्त 2020 को जहाँ पे एक प्रोमोशनल पोस्टर के साथ बताया गया था कि प्रभाष सलोड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करने वाले जिन्होंने इससे पहले तानाजी जी दो में एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई है वो एक हिंदू एपिक रामायण के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म की कहानी है वो 1992 में एक जापानी एनिमी सीरीज़ आई थी रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा करके तो वहाँ से उस सीरीज से उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ करके वहाँ से जो एडप्टेशन वो इस फिल्म में लाने वाले और इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर काम उन्होंने कोविड नाइन्टीन के दौरान किया हुआ था और प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रभास को सुनाया हुआ था उनको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और इमिडिएटली उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हा कर दिया और टी सीरीज ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने इस फिल्म को बेक किया हुआ है इसके अलावा आदि पुरुष पाँच करोड़ के साथ बजट में बनाई फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म के विजुअल्स में जो विजुअल इफेक्ट कहते हैं वी उसमें ही करीबन ढाई सौ करोड़ डाले हुए तो और ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक फिल्म बनी हुई है इंडिया में जहाँ पर फिल्म को हिंदी हिंदू और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में शूट किया गया है और सभी इसकी शूटिंग है वो थ्री में की गई है थ्री कैमरा का यूज़ करते हुए फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ है सेप्टेम्बर दो में मेकर्स ने रिवील किया हुआ था कि प्रभास इस फिल्म में लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले जहाँ पे उनके किरदार का नाम राघव होने वाला है सैफ अली खान को लंकेश का रोल दिया गया जिन्होंने तानहाजी में जो ओम राउत की फिल्म थी उसमें भी एक इंटागोनिस का ही रोल प्ले किया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि अनुष्का शेट्टी या अनुष्का शर्मा की आर आडवाणी कीर्ति सीरेस से अलग अलग एक्ट्रेस का नाम सामने आया हुआ था सीता के रोल के लिए लेकिन नवंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि कृति सेनन इस फिल्म में जानकी का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी उसके एक महीने के बाद एक और कंफर्मेशन आई थी कि सनी सिंह जो इस फिल्म में आपको लक्ष्मणा के रोल में देखने को मिलेंगे जो लॉर्ड राम के यंगर ब्रदर थे और ये अनाउंसमेंट फरवरी दो में की गई थी इसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे मोशन कैप्चर शूट था फिल्म का आदि पुरुष का वो करीबन 19 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था मुहूर्त शॉट है जो फॉर्मल लॉन्च है वो करीबन 2 फरवरी 2021 को मुंबई में इंडिया में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और मूवी की स्टार्ट की उसी दिन की गई थी और ये सभी चीज़ें मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए हुई थी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसको काफ़ी ग्रैंड स्केल के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ शूटिंग के दौरान लोकेशन में मुंबई के जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे कुछ मेसिव एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मुंबई में वो शूटिंग को रोकना पड़ा था बाद में डुप्लीकेट सेट को फिर से क्रिएट किया गया था और बाद में अक्टूबर 2021 को सैफ अली खान और कृति सेना ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप किया हुआ था नवंबर 2021 तक प्रभास ने अपने पार्ट की शूटिंग को रेपअप कर लिया था 10 नवंबर 2021 तक पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया वे के ऊपर सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया जहाँ पे इस फिल्म के टीज़र को जब रिलीज़ किया गया दो अक्टूबर 2022 को जब गांधी जयंती का ओकेशन था और फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा टीज़र ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे यूट्यूब पर और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन उसमें जो सी जी आई थे वे एफ उसके लिए फिल्म को काफ़ी हेवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था अब देखने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पॉलिसिंग करेंगे या क्या चेंजेस करके मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में लाते उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो क्या है उन सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म के वेफ एक्स लोगों को कैसे लगते हैं अदरवाइज वो फिल्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीन प्ले में किस तरह से लाया हुआ है किरदारों को डायरेक्टर ने किस तरह से अपने हिसाब से दिखाया हुआ है उसमें क्या नोवेल्टी लाई हुई है किस तरह से किसी को ठेस ना पहुंचे और श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी इन सभी चीज़ों के इन सभी किरदारों के जो कहानी उनके ऊपर किस तरह से वो काम करते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी को बेहतर बनाएंगे लोगों के बीच में वही सब चीजें अच्छी खासी रहेगी अदरवाइज जिस तरह से जो अभी टीज़र देखने को मिला है लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अब देखते हैं कि फिल्म के साथ वो किस तरह का कमाल करवाते हैं जहाँ पे आदि पुरुष को फिलहाल में 12 जनवरी 2023 को हिंदी तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ तमिल मलयालम कन्नडा डब्ड वर्जन में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है हिंदी तेलुगु मेन लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है लेकिन तमिल मलयालम कन्नड़ा में फिल्म को डब किया हुआ है तो ये टोटल पाँच लैंग्वेज में पेन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है इससे पहले ये फिल्म ग्यारह अगस्त दो को थिएटर में आने वाली थी लेकिन तब लाल सिंह चड्डा थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी वजह से दो बड़ी फिल्में एक दूसरे के साथ क्लेश ना हो और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और इससे ज्यादा फिल्म के वी एफ का भी का काम बाकी था और इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया उसके बाद में फिल्म के टीजर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तब काफी ज्यादा व्यूज हासिल किए हुए थे क्योंकि आदि पुरुष प्रभास की पिछली दो तीन फिल्में जिन्होंने उन्होंने जो साइन की हुई है जैसे कि आदि पुरुष है इसके अलावा सलार है प्रोजेक्ट ये दो तीन फिल्में ऐसी है जो काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है उस वजह से इस फिल्म के टीजर ने काफी ज्यादा व्यूज़ हासिल किए हुए थे इससे पहले उनके राजेश्याम और साहो काफी खराब तरीके से फ्लॉप रही है जिसमें राजेश्याम हिंदी सर्किट में तो पूरी तरह से बेकार वे में फ्लॉप गई थी अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास बाहुबली के बाद किस तरह से आदि पुरुष में अपना कम कर पाते उसके ऊपर अब मेकर्स ने इन सभी चीज़ों में किस तरह का काम किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म किस लेवल पे किस कदर बॉक्स ऑफिस पे बड़ी बन पाती है अब वेट करना है 12 जनवरी 2023 का कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसा कलेक्शन करेगी वैसे पहले तीन दिनों में तो फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन होगा क्योंकि इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाएगा तो पहला वीकेंड है वो वैसे ही बड़ा रहने वाला है प्रभास की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी स्टेट में तो ये फिल्म धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली है तो आसानी से ये फिल्म पहले एक दो दिनों में ही डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ करोड़ का कलेक्शन कर लेगी लेकिन जिस तरह से जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होता है उसके बाद ओरिजिनल खेल स्टार्ट होगा तभी फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होगा जहाँ पे लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वही डिसाइड करेगा फिल्म कितनी लंबी जाने वाली है और उसके बाद में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो हमारे सामने निकल के आएगा अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो ज़रूर ये फिल्म हज़ार करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अदरवाइज़ ये फिल्म भी साहो या श्याम की तरफ पीट सकती है अब देखने वाली बात यह है कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है थिएटर के अलावा ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक ओ और सेटेलाइट राइट्स किसके पास है उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई है इतना बताया गया कि फिल्म आई एम एक्स पे रिलीज होगी थिएटर ओ को काफ़ी थिएटर के बाद ओ टी सेटेलाइट में काफ़ी टाइम बीच में काफ़ी टाइम रखा जाएगा तो ये फिल्म में भी आपको अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अदरवाइज एक डेढ़ दो महीने में ये फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया जाएगा तो आदि पुरुष आपको ओ टी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन थिएट्रिकल रिलीज़ के दो तीन महीनों के बाद शायद देखने को मिल सकती है उसके बाद सेटेलाइट की बात करें तो सात आठ महीनों के बाद या छः महीनों के बाद आदि पुरुष फिल्म को सभी लैंग्वेज में रिस्पेक्टेड चैनल है जो सभी लैंग्वेजेस की वहां पर आदि पुरुष नाम के साथ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो इस तरह से आदि पुरुषॉय कर पाओगे तो बस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहां पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रोडिक्शन दिया हुआ है साथ ही में इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म की कहानी क्या हो सकती है उसकी प्रीमाइज़ के ऊपर बातचीत की हुई है वी एफ के ऊपर बातचीत की हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा किए हुई है सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैंने प्रॉपर आपको डिटेलिंग दी हुई है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू